भाषा विवाद चल रहा है सब जगह, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, ये विवाद का निपटारा तो शुरुआत में होना चाहिए था, जब से 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना हुई तो उसी समय उस बिल में गलती हुआ है। इसका गलती तो हम बधाई देना चाहेंगे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को, जब उनके प्रधानमंत्री काल में 2000 में राज्य तो गठन हो गया, लेकिन राज्य का क्या स्वरूप होगा, क्या रूपरेखा होगा, वह गलत कर दिया। वहाँ गलत इसलिए कर दिया कि राज्य का गठन पूरे देश में है, अभी तो 29 राज्य बन गया, और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में हुआ था, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर हुआ, पंजाब हरियाणा 66 में हुआ भाषा के आधार पर हुआ, गुजरात महाराष्ट्र जो है ना वहाँ 60 के दशक में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में जितने राज्य बना है, एक असम को 7 टुकड़े में हुआ। हिंदी जहाँ तक बात है, हिंदी राष्ट्रभाषा है। अभी तो यहाँ जो भोजपुरी का विरोध हो रहा है स्वाभाविक है, क्योंकि जो बिहार 1912 में बिहार राज्य का अस्तित्व आया तो उस समय 1912 से देश आज़ाद होने के पहले बिहार राज्य बन चुका था, और वहाँ का अगर डायलॉग है, वहाँ का भोजपुरी है वहाँ का मगही भाषा है, तो वो भाषा को वहाँ क्यों आज तक मान्यता नहीं दिया, आज तक नहीं दिया, 8 शेड्यूल भी नहीं हुआ, भोजपुरी 8 शेड्यूल भी नहीं हुआ। 8 शेड्यूल कौन हुआ? 22 दिसंबर 2003 में संताली भाषा को पूरे देश भर के लिए भारतीय भाषा के रूप में दिया। जो शिबू सोरेन संथाल है अपना मातृभाषा को नहीं समझा, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाल है अपना मातृभाषा संथाली, यहाँ पे होना चाहिए था 8 शेड्यूल को, उसका अलग एकेडमी होना था। कहने का मतलब भोजपुरी को दिया गया, इसमें जो भड़क उठा तो हमको नहीं लग रहा कि अनावश्यक नहीं है, ये सही बात है होना। अब तो हम लोगों का लड़ाई हो गया, शुरू हो गया है कि भोजपुरी को, मगही को और अंगिका को, तीन भाषा को जो किया, हम तो ये भी चाहेंगे कि इन्होंने उर्दू को पहले किया, उड़िया को किया है, तो उर्दू ऑलरेडी, उड़िया ऑलरेडी उड़ीसा का मूल भाषा है, वहाँ स्टेट है, अपना भाषा है, और बांग्ला ऑलरेडी बंगाल में है। तो ये राजनीति के कारण अपना समय समय पर सत्ता के लिए ये किया है, ये यहाँ की व्यवस्था के लिए नहीं किया है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो अभी तक बांग्ला को अंगीकृत किया गया उसको भी तत्काल हटाना चाहिए, और उड़िया उड़ीसा का उड़िया है, उर्दू नेशनल लैंग्वेज है ना, वो है, लेकिन अभी जो मेन है कि 9 भाषा है, संथाली मुंडारी भाषा है, संथाली मुंडारी कुड़ुक कुड़माली नागपुरी भाषा है, ये भाषा को KG to PG होना चाहिए। हमारे संविधान रोकता नहीं है, हमारे संविधान में लैंग्वेज का द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग, उसमें भारतीय संविधान के 350 में ऐसा लिखा हुआ है कि हर एक आदमी, और यही नियम लागू हो गया बंगाल में, KG to PG बंगाल में बंगाली, आप कोई भी भाषा के भारत देश के वहाँ जाइएगा तो आपको वहाँ बांग्ला बोलना होगा, सीखना होगा, जानना होगा, तब उड़ीसा में भी उड़िया जानना होगा। भाई झारखंड में हिंदी क्यों? हिंदी राष्ट्रभाषा है, आप क्यों थोपिएगा? गुजरात में थोपिए, महाराष्ट्र में थोपिए, पंजाब में हिंदी पढ़ाइए, बंगाल में पढ़ाइए। तो यहाँ बात चर्चा है, ये जो बोल रहा है कि ये लोग इस तरह से कर रहा है, दूसरी बात है यहाँ स्थानीयता की बात है, स्थानीय नीति है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में उन्होंने आदेश जारी किया है और कहा है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी एक राज्य का स्थानीय निवासी बन सकता है, या बिहार का स्थानीय दादा परदादा अगर है तो देश विदेश कहीं भी जाए लेकिन उसका मूल जो है ना बिहार से जुड़ा जाएगा। एक बंगाली कहीं भी चला जाए लेकिन बंगाल मूल में ही बंगाली को जुड़ा जाएगा, बंगाली पहचान का। तो झारखंड में कहीं भी संथाल मुंडा उराव रह जाए लेकिन उनका जो मूल प्रमाण पत्र कभी जरूरत होगा दादा परदादा का कतिया यहीं से लिया जाएगा। ये इसमें हमको लगता है कि पॉलिटिशियन नहीं है, काहे नहीं है? शिक्षा मंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री दो दो बार मैट्रिक परीक्षा देता है, फेल होता है, और संदेश जाता है कि झारखंड में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लिख लूढ़ा पढ़ पत्थर। आप देख लीजिए जगन्नाथ महतो का कितना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर है, कितना डॉक्टोरेट है, कितने विभाग पढ़ाई होते हैं, और मूर्ख आदमी जो है ना शिक्षा मंत्री वो लाठी चला के भैंसा चराने जैसा, तो बहुत अपवाद है। पढ़ा लिखा आदमी नहीं, कोई भी ग्रेजुएट नहीं है, इवन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं BIT मिश्रा में 3 बार डिग्बाजी खाया है, हैं? अरे मैं तो चैलेंज करता हूँ, मेरी बेटी हार्वर्ड से यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिस्ट बनी है, डॉक्टर अमर्त सेन उसका प्रोफेसर, इसीलिए खुले तौर पर शिबू सोरेन का बेटा को एक आदमी को भी मैट्रिक पास नहीं कराया। बताइए इस तरह की राजनीति है? शिबू सोरेन राज्यसभा का मेंबर, सीता सोरेन MLA बनी है, बसंत सोरेन MLA बना है, उसका बेटा मुख्यमंत्री बना है, तो पेट नहीं भरा है क्या? पेट नहीं भरा है? तो इन लोगों को नैतिकता आधार में अगर नहीं होगा तो हम लोग तो ऐलान करने जा रहे हैं 25
फरवरी को है, नहीं नहीं 25 फरवरी को विधानसभा सत्र चालू होगा और 25 मार्च तक चलेगा। ये एक महीना का लड़ाई, आर पार का लड़ाई लड़ेंगे। जैसे टिकेत ने जब तक कृषि बिल को काला कानून को आपस नहीं हुआ है तब तक वो आपस नहीं गया और अंततः वह एक केंद्र सरकार कृषि बिल को आपस किया। ये लड़ाई अब हमारा फरवरी से आज निर्णय होने जा रहा है, डेट वगैरह घोषणा हो जाएगा कि हम लोग आर पार। अरे बोकारो धनबाद से निकल के भाषा के मुद्दे पर राज्यव्यापी आंदोलन करने की योजना है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? नहीं, राज्यव्यापी आंदोलन तो अब होगा और पिछले दिनों जो झारखंड सरकार ने जो भी भाषा के मामले में गलत नीति अपनाया तो इस नीति का खिलाफ तो होगा। अब राज बना है तो राज की जो भाषाएँ हैं, 9 भाषाएं हैं, उसको केजी टू पीजी पढ़ाई होना चाहिए। और हम लोग का जो पिछले दिनों से भोजपुरी, अंगिका, मगही, मैथिली इसके विरोध में जो आंदोलन है, इसलिए विरोध है कि आपने उसको सरकारी मान्यता दे दिया और बिहार की ये मूल भाषा है और बिहार में ही इसको मान्यता नहीं है तो झारखंड में क्यों दीजिएगा भाई आप? इसका विरोध है। इसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ बिहार की भाषाओं को टारगेट करके लोगों को भड़काया जा रहा है क्योंकि भोजपुरी, मगही, अंगिका के अलावे उर्दू, उड़िया, बंगला ये सब भाषा भी है, उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही। देखिए, बंगला बंगाल से हम लोग अलग हुए थे और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि बंगाल में हमारा जो ये मानभूम डिस्ट्रिक्ट था ना, पुरुलिया, ये मानभूम डिस्ट्रिक्ट धनबाद से लेकर जमशेदपुर तक था और भाषाई मामले हम लोग भुक्तभोगी हैं और 16 थाना 1956 में वो बंगाल चला गया यही बंगला भाषा के चक्कर में और 1 जनवरी 1948 को सरायकेला खरसवां को उड़ीसा में यही सी भाषा को लेकर के उसको शामिल कर दिया गया था और जिसका प्रतिरोध हुआ और खरसवां में गोलीकांड हुआ 1 जनवरी 1948, ये भाषा ही विवाद था। तो ऐसा नहीं हो कि हम लोग जो 1 जनवरी 1948 को हुआ और मानभूम को जिस तरह भाषा के मामले में 1 नवंबर 1956 को ये लोग बंगाल में ले गया, ये भोजपुरी, मगही और अंगिका यहाँ पर स्थापित करके कल ये ना वातावरण बने कि हमारा भी हिस्सा यहाँ पर है। सर, ये मतलब उर्दू, बंगला और उड़िया ये रहना चाहिए, इसका भी विरोध है। किसका? उर्दू, बंगला और उड़िया का। नहीं नहीं, बंगला तो देखिए यहाँ का लोग बोलना शुरू कर दिया है, आज से नहीं है, वो करीब 200 साल पहले से है ना, पूरा आप देखिएगा जमशेदपुर से लेके एकदम पाकु। झारखंड की आवाज़ YouTube न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।